हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज से हाँ फर्स्ट डे है ब्लॉगिंग का हमारा, तो सुबह की टाइम है। टाइम हो गया है 9 o'clock हो गया है। और यहाँ पे ऊपर में हम अभी छत पे हैं, जो कि अभी पंडाल बन रहा है प्रॉपर, अभी फिनिशिंग नहीं हुआ है, बट हाँ आधा अधूरा काम जो भी है आप देख सकते हो। मैं एक बार चारों तरफ घूम लेती हूँ। तो जो ये जो पंडाल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कल तिलक होगा, तो शाम तक में सारा कंप्लीट हो जाएगा। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। और कोशिश मैं करूँगी कि हर एक चीज़ की वीडियो कैप्चर करें और आप लोग के साथ शेयर करें। इनका वीडियो में भरोसा मत करना। ये देखिए पूरा बिजी चल रहा है, मम्मी जी का पूजा हो रहा है, नीतू बिजी है। और यहाँ ये छोटू को देखिए, इसको बस मोबाइल चाहिए। सब लोग का हे किड्स व्हाट्सएप। ये तो लोग सब की तैयार हो लिए सब की है। हम और सब की है। अरे लीजिए भैया, आप लोग कपड़ा मांगे थे ना। और यहाँ पे सबका काम आज स्टार्ट हो गया। भैया आप एक बार हाय करिए, सब आप लोग कीजिए हेलो सबकी। यहाँ पे सारे भैया लोग अपने अपने काम में लग गए। ये दूध पनीर, अच्छा ये पनीर के लिए, रसगुल्ला के लिए बन रहा ना। दूध ही दूध है चारों तरफ। अच्छा भैया आप, और यहाँ पे हम रेडी हो गए नहा धोकर। तो और इधर चाय भी बन रहा है हमारा, सिर्फ मेरे लिए ही बन रहा है। 1 cup बना रहे हैं क्योंकि हम सबसे पूछ लिए चाय पीना है पीना, किसी ने गर्मी में बोला चाय नहीं पीना है, बट मुझे तो चाहिए चाय। और बस अब थोड़ी देर में मेरी बहन आने वाली है। एक्चुअली सबसे फर्स्ट गेस्ट हम हैं जो यहाँ पे हम आए हैं, तो आज मेरी दोनों बहन आ जाएगी, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और बस तैयारी चल रहा है, नीचे भी जो है सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। वहाँ पे बनने वाला कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब चल रहा है, स्वीट्स वगैरह बन गया है। और जो है खाने पीने का जो कल तिलक में लोग आएंगे उनके लिए सारा प्रिपरेशन चल रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और ये चाय रेडी हो गया और ये चाय पी लेते हैं हम। तो एक्चुअली क्या है कि काम भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया, मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि बता नहीं सकते हैं। तो मम्मी काफ़ी दिन से मतलब काम को लेके बहुत ज़्यादा ये थी, अकेले उसे सारा चीज़ करना पड़ रहा था, बाहर के काम घर का काम, क्योंकि शादी में पता ही है कितना ज़्यादा काम होता है। तो उसकी तबीयत थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो अभी वो रेस्ट कर रही है। मेडिसिन वगैरह हम लोग उसे दे दिए हैं, तो जल्दी से वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो ठीक हो जाएगी तो पता नहीं मम्मी कैसे काम सारा संभाल लेती। हम लोग का थोड़ा सा मतलब ऐसा करना पड़ रहा है तो लग रहा है वो इधर का काम इधर का काम, बट मम्मी कितना काम संभालती है वहाँ पे वापस। सच्ची में थोड़ा देर के लिए वो बेड पे चली गई है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा काम रुक गया है, ऐसा हो गया है। बताओ तो कितना पैसा तुम्हें रिंग में दी हो, बताओ ना। अभी दिया 4-5 हज़ार, कुछ 25 रुपया देवे थे तो हम बगल में खड़े हुए तो सचा है ना सामने रिजू के अंदर पे हमारा नहीं, रिजू नहीं मिलने वाला है नहीं। पहले जो शादी का माहौल आ गया है,
ये मम्मी का तिजोरी हाँ मिलता है माँ सोनूल बनवे लिए है हमको तो सोना समझ में ही नहीं आता अच्छा हाँ ये समझ में कैसे नहीं आता तो अपना सोनू दिया सोनू दिया है हमको अरे वाह मम्मी बहुत बड़ा है मम्मी 125,000 तो बहुत अच्छा लगता है जैसे महाराष्ट्र में सब पहनता है ना मोटा मोटा ये जो चैन है मम्मी को गिफ्ट तो अलग ही सोनी दिया है कौन सा वेट वेट तो अभी तो पुरनका की डिजाइन यहाँ पे जो स्वीट्स है अभी करीब करीब बन गया है कल के लिए सिर्फ जो तिलक में यूज होगा खाने के लिए वो सब बन गया है और बाकी जो क्रीम वगैरह है जैसे परवल का स्वीट्स है और भी क्या क्या क्रीम का क्रीम चॉप वगैरह है तो वो सारा कल रेडी होगा और यहाँ पे रसगुल्ला जो है वाइट वाला वो बन के रखा गया है तो वहाँ पर जैसे कि देखे हैं दो दो तीन तीन कूलर चला के रखा है क्योंकि गर्मी काफ़ी है और सच में इतना पॉसिबल भी नहीं है कि कल इतना बन पाएगा एक साथ इसलिए इन लोगों ने आज से बनाना स्टार्ट कर दिया है तो थोड़ा थोड़ा करके कल तक सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं बाहर कुछ सामान लेकर आना है दुल्हन को देने के लिए जो मेरा बचा खुचा है और ये है यहाँ की बहुत ही फेमस ऑमलेट मतलब ऑमलेट बोलो या पाउच क्या बोलते हैं पता नहीं जो भी है थोड़ा सा तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और दूसरा है पानी पूरी जो कि हम जब भी यहाँ पे आते थे ये खाते हैं तो आज खा लेते हैं क्योंकि कल से ये सब चीज़ें बाहर भी हम नहीं खा सकते और घर में तो खैर अभी दूर दूर तक ये सब बिल्कुल बंद है तो हम लोग डेकोरेशन देखने जा रहे हैं मंदिर में एक्चुअली क्या है ना कि पंडाल दो जगह बना है हमारे घर के बगल में एक बहुत बड़ा सा लैंड है जहाँ पे हम लोगों के घर के सारी शादी वहीं पे होती है रिसेप्शन पार्टी मेरे भाई की वहीं ऑर्गेनाइज हम लोगों ने करा है नहीं रिसेप्शन का और तिलक का भी खाने का है वहाँ मतलब तिलक के बाद क्या होगा पंडाल को खोलेगा नहीं तो उसी तरीके से वो रह जाएगा तो रिसेप्शन में काम आ जाएगा बहुत सुंदर है यहाँ का तो जो ऊपर बनाया है ये बहुत ही अच्छा है जो यहाँ पे पंडाल बनाया है ऊपर टेरिस पे वहाँ का मुझे थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा है मैं एक बार ऊपर का दिखाती हूँ तो फाइनली यहाँ पे जिसका इंतज़ार था वो आ गई तो चले उसका वेलकम करना है एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया टाइम हो गया है 12:30 हो गया है क्योंकि पटना से जो नवादा आने वाली रोड है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब अभी हो गया है कुछ काम चल रहा है इसके वजह से तो बस चलो इन लोग का वेलकम करते हैं मिलते हैं और इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड उम्मीद करूँगी ये हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आएगा अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर गुड नाइट